चलते हैं जहां पे सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। यहां भी एक कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम टीचर्स डे को लेकर, और फिलहाल यही वजह है कि बिरला ऑडिटोरियम सीएम गहलोत पहुंचे हुए हैं। प्रदेश के चुनिंदा टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कदम उठाए हैं, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उसका ख्याल करते हुए, अपने पद की गरिमा को समझते हुए बेहतर काम किए हैं, बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने की कोशिश की है, और यही वजह है कि आज उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बिरला ऑडिटोरियम जहाँ पे कई बड़े कार्यक्रम होते हैं, आज इसी कड़ी में शिक्षकों को सम्मानित करने का सिलसिला यहीं से हमें देखने को मिलेगा। वो तस्वीरें भी बेहद खास होंगी, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच सीएम अशोक गहलोत का काफिला पहुंच चुका है। सीएम अशोक गहलोत जब यहां पहुंचे तो लोग उनका स्वागत भी कर रहे हैं, और फिलहाल वो बिरला ऑडिटोरियम पहुँचेंगे और प्रदेश के जो टीचर्स हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है, जिसके बारे में हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं, और वो तस्वीरें भी बाकायदा सिलसिलेवार तरीके से हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन दिल्ली में भी ऐसा ही कार्यक्रम बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पे, पूरे देश के संदर्भ में, जहाँ पे देश के अलग अलग हिस्सों में जो ऐसे टीचर्स जो गुरु जी के असल मायने जो हैं उसको साबित कर रहे हैं, या उसको ख्याल रखते हुए कि बच्चों के जीवन में वो कितना मायने रखते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी कोई कदम उठा रहे हैं, उन पर केंद्र की सरकार भी फोकस कर रही है, और अलग अलग राज्यों में भी आज आपको ऐसे ही कार्यक्रम टीचर्स डे के मौके पर देखने को मिलेंगे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको याद करके, जिनके जन्मदिन के मौके पर हमने ये तय किया था कि हम आज के दिन को टीचर्स डे के तौर पे मनाएंगे, और ये देखिए एक राजस्थानी परंपरा की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ये शुभ मौका, ये हमारी संस्कृति है, जहाँ सीएम का स्वागत तिलक लगाकर किया जा रहा है। और अब सीएम गहलोत यहाँ पे पहुँचेंगे और जाहिर सी बात है अपनी भावनाएं भी प्रकट करेंगे, कुछ यादें भी साझा करेंगे कि उनके छात्र जीवन का वो अनुभव या वो लम्हा उनके जीवन को बदलने में कैसे कारगर साबित हुआ है। संस्कृत का एक श्लोक है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े का को लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा हमारे जीवन में ऐसी है, रास्ते चाहे जितने कांटों भरे हो, लेकिन शिक्षा के मार्गदर्शन से, गुरु के मार्गदर्शन से हम हर एक विपरीत परिस्थितियों से निकल जाते हैं, हम नई राह ढूंढ लेते हैं। तो फिलहाल बिरला ऑडिटोरियम की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, और वो सिलसिला हमें देखने को मिलेगा। सीधे मंच की अब तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, चंद लम्हों का इंतज़ार इस बात को लेकर कि अब सीएम अशोक गहलोत यहाँ से क्या कुछ कहते हैं, और उन टीचर्स के बारे में क्या कहते हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग सुदूर इलाकों में, दूर दराज के गांवों में शिक्षा की रोशनी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी बेहतर सोच से राज्य के छात्रों का भविष्य तय कर रहे हैं, राज्य के छात्रों के भविष्य को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिरला ऑडिटोरियम की तस्वीरें
वंदे मातरम, ये फिलहाल जो राष्ट्रगीत है उसे गाकर यहाँ पे सभी का अभिवादन स्वागत किया जा रहा है। कार्यक्रम का विधिवत आगाज आप कह सकते हैं और उसके बाद उन टीचर्स के जीवन का आज सबसे खास लम्हा है जिनके कार्य शैली को, जिनके पढ़ाने की शैली को पहचान राज्य स्तर पर मिली है। चाहे वो राजस्थान के किसी भी इलाके से हों, किसी भी हिस्से से हों, किसी भी क्षेत्र से हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्होंने बेहतर किया है तो राज्य सरकार की नज़र में वो हैं, उनकी पहचान की गई है और अब आज उन्हें सम्मानित करने का मौका। लेकिन इस बीच विधिवत दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का आगाज, इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है सीएम अशोक गहलोत के हाथों। बिरला ऑडिटोरियम ऐसे कई कार्यक्रमों का गवाह वक्त वक्त पर बनता रहता है। आज उसके लिए भी गौरव का क्षण है कि आज उन शख्सियतों को सम्मानित किया जाएगा जो हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करते हैं, जो हमारे जीवन में रोशनी फैलाते हैं अपनी आधुनिक सोच के जरिए। आज टीचर्स डे है, हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद तो कर ही रहे हैं क्योंकि उनके जन्मदिन के मौके पर ही इस खास दिन को हम मनाते हैं। लेकिन मेरे जहन में याद आता है एपीजे अब्दुल कलाम का वो वाक्य जब उनसे पूछा गया कि आप अपने आप को कैसे याद करना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा था, मैं एक टीचर के तौर पे याद करना पसंद करूंगा कि मैं चाहता हूं मेरे मरने के बाद लोगों मुझे एक शिक्षक के तौर पर याद करें। चाहे मैंने जितने अंतरिक्ष में सफलताएं हासिल की हो, एक वैज्ञानिक के तौर पे जो कुछ कदम उठाए हों, राष्ट्रपति रह के जो बड़े फैसले लिए हों, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इन सारी बातों का जिक्र हो। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक के तौर पर मैं याद किया जाऊँ। और आपको याद होगा जब उनका निधन हुआ तो वो बच्चों को पढ़ा रहे थे और उसी वक्त हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था और उनकी वो ख्वाहिश पूरी हुई कि वो बच्चों के बीच में ही उनका देहांत हुआ था। तो ऐसे ऐसे भी शख्सियत रहे हैं जो कि अगर उन्होंने कोई बड़ी ऊंचाई हासिल कर ली है तो वो चाहते हैं कि उनके जीवन से दूसरे बच्चे भी प्रेरणा लें। और उनकी जो जीवनी है जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी है गुलजार साहब की आवाज़ में, आप उससे भी वाकिफ हो सकते हैं। आपके घर में बच्चे हैं तो उनको दिखा पढ़ा सकते हैं या उनकी लाइफ के ऊपर जो बुक है उसे भी बाकायदा पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने शुरुआती में ही इन बातों का जिक्र किया है कि मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे सुदूर इलाकों में कहीं बैठकर उनको रोशनी ना दिख रही हो, कुछ रास्ता ना सूझ रहा हो, वो मेरे जीवन से प्रेरणा ले और वो आगे बढ़े। यकीनन ऐसा होता है, आप भी जब अंधेरे में होंगे तो ऐसे शख्सियतों को ज़रूर पढ़ें, ज़रूर गुणें। हमारे देश में एक से बढ़कर एक ऐसे गुणी लोग हैं जिनके हाथ को पकड़कर, जिनकी उंगली को थामकर हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। और ये फिलहाल एक बार फिर से हम जिक्र करना चाहेंगे बिरला ऑडिटोरियम की इन तस्वीरों के बारे में जहाँ पे सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी, शिक्षा मंत्री की मौजूदगी और इसके अलावा राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए टीचर्स की मौजूदगी। बाकायदा विधिवत आगाज इस कार्यक्रम का हो चुका है, थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। उसके बाद सीएम अशोक गहलोत की भी बातें आप सुनेंगे जिसमें यकीनन वो इन बातों का जिक्र करेंगे कि उनका छात्र जीवन कैसा रहा है, उनके टीचर्स की भूमिका उनके जीवन में या उनको यहाँ तक पहुँचाने में कैसी रही है। क्योंकि मिसाल है सीएम अशोक गहलोत भी, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि तीन तीन दफ़े राजस्थान का सीएम बनना कोई मामूली बात नहीं है। आजकल सभी कार्यक्रमों में पर्यावरण संरक्षित करने का संदेश देने की कोशिश होती है, उसी कड़ी में सीएम को पौधा तोहफे स्वरूप दिया गया, तो ये भी एक अच्छी पहल है। हम सबको अपने निजी जीवन में इन बातों को उतारना चाहिए क्योंकि कहते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो एक एक पेड़, एक 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 पौधा लगाने से ही हो सकता है कि हम अपने आसपास के वातावरण को बहुत स्वच्छ बना देंगे, बहुत सुंदर बना देंगे। आज के समारोह के अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं
श्री सुभाष गर्ग माननीय तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दत्तमल जी, प्रदीप भूरड़ जी, ओम प्रकाश जी कसारा और तमाम उपस्थित यहाँ पर हमारे विधायकगण और शिक्षकगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपनी ओर से और पूरे प्रदेशवासियों की ओर से तमाम शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूँ। प्रतिवर्ष आप लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं और मैं समझता हूँ कि जिस रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक शिक्षा शास्त्री भी थे, राजनेता भी थे और दार्शनिक भी थे, स्वतः ही उस जमाने से उनका नाम आते ही जो दूसरे राष्ट्रपति थे देश के, द्वितीय राष्ट्रपति थे, एक सम्मान के भाव पैदा होते थे और इसीलिए तत्कालीन सरकार ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने का निर्णय किया। और मुझे खुशी है कि उस परंपरा को आप लोगों ने सब सम्मान के साथ में काम रखा। इस दिन शिक्षकों का सम्मान भी होता है और जब सम्मान होता है तो शिक्षकों के सम्मान जो छात्र जीवन से शुरू होता है और गुरु शिष्य परंपरा थी तब से शुरू होता है, तो ये सोचने का मौका मिलता है कि शिक्षक किस रूप में सम्मानित होने चाहिए और सम्मान के पात्र हैं। आपने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने समर्पण भाव से, अपनी प्रतिबद्धता से शिक्षकों का सम्मान कायम रखा, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, दूतासा जी ने जिला स्तर पर भी सम्मान देने का काम शुरू किया। सम्मान उसी को दिया जाता है जो सम्मान के पात्र होते हैं और सम्मान देके हम लोग अन्य शिक्षकों के अंदर भी प्रेरणा का संचार करते हैं कि किस प्रकार से सम्मान होने के लिए हमें आगे बढ़ना है, प्रयास करना है। तो मोटिवेट करने के लिए भी इस प्रकार के निर्णय काम आते हैं। मैं साधुवाद देता हूँ दोतासा जी को, उनका ये निर्णय सही दिशा में कदम है। बचपन से हम लोग हमेशा शिक्षकों का सम्मान करता है, बचपन की यादें जिंदगी भर चलती है साथ में। किसी के जीवन में प्राइमरी स्कूल से लगा करके जो शिक्षक होते हैं उनके प्रति जीवन पर्यंत सम्मान बना रहता है और शिक्षा के बगैर जिंदगी में अंधेरा है। हम लोग आज़ादी के बाद से ही, आज़ादी के वक्त में तो मामूली संख्या में स्कूलें ठीक हैं, आज जाल बिछ गया है, लाखों करोड़ों स्कूलें बन गए देश के अंदर और शिक्षा जगत में हम लोग बहुत ऊँचाई प्राप्त कर चुके हैं। उच्च शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, विश्वविद्यालय, IIT, IIM, IIIT, एक जिस रूप में आज़ादी मिलने के बाद में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हो आज के दिन, तो हमें इसका चिंतन करना पड़ेगा कि महात्मा गांधी के सानिध्य में देश आज़ाद हुआ ही था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद,
डॉक्टर अम्बेडकर बड़े बड़े दिग्गज थे, उनकी सोच थी किस प्रकार से इस मुल्क को जो आज आज़ाद हुआ है अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों से, उसको हमें उसका नवनिर्माण करना है। या स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, क्या था, कुछ नहीं था। और सोच समझ के निर्णय किया गया, देश के पहले प्रथम शिक्षा मंत्री बने अबूकरम आजाद साहब, और जो रचना की गई है उसके परिणाम में उस जमाने के अंदर IIT IIM बल्कि एम्स जैसी संस्थाएँ खुल गई। और हमने भी ये प्रयास किया जब सरकार हमारी बनी 20 साल पहले, आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बना था, उस वक्त में हम लोगों ने देखा कि शिक्षा में राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के अंदर, दलित वर्ग की लड़कियों में तो और भी ज़्यादा पीछे थी। तभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे आपको कि उस वक्त में 50 साल हुए थे राजस्थान को बने हुए 98 के अंदर, और राजीव गांधी जो नई शिक्षा नीति लेके आए थे, HRD मिनिस्ट्री बनी थी, नवोदय विद्यालय का कंसेप्ट लेके आए, जवाहर विद्यालय बने, उस माहौल के अंदर जब वो शहीद हो गए देश के लिए, तब हमने देखा कि राजीव गांधी के नाम से और 50 वर्ष हुए राजस्थान के बने हुए, तो राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं और शिक्षा में इतने पीछे थे कोई सोच नहीं सकता। तुमने 23,000 स्कूलें गांव गांव में ढाणी में खोल दी, ढाणी में स्कूल खुल गई, ढाणी का ही कोई पढ़ा लिखा नौजवान पढ़ाएगा बच्चों को, ढाणे के बच्चों को पढ़ाएगा। रेगिस्तान के इलाके हैं, दूर दराज के गांव हैं, ढाणी हैं, गांव के जगह नाम के रह गए हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर में बच्चे लोग ढाणी में होते हैं, कैसे वहाँ स्कूल पहुँचे। तो एक नया प्रयोग किया गया और ऐसा माहौल बना राजस्थान के अंदर, ढाणियों के बच्चों में भी, उनके परिवार वालों में भी एक ललक जागृत हुई कि हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। शिक्षा आपके द्वार में ने प्रोग्राम चलाया उस वक्त में, हर टीचर जाएगा घर घर में और एक भी बालक बालिका राजस्थान में शिक्षा से वंचित नहीं रहे, ये मोटिवेट करेगा परिवार वालों को। इस प्रकार से हमने एक माहौल बनाया, उसका लाभ मिला। हालांकि सरकार बदलते ही स्कूलों के नाम बदल दिए, कई बातें हो गई, वो मैं इस मुबारक मौके पर उस पर जाना नहीं चाहता। मैं कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि राधा कृष्ण जी के नाम से भी शिक्षा संकुल है, ये राजीव गांधी के नाम से इसका शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन राजीव गांधी के नाम से हुआ है और सरकार बदली इसको नाम रख दिया सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी के नाम से, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थी, महापुरुष थे सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी, पर क्योंकि पट्टियाँ लगी हुई है किसी भवन के अंदर, तो मैंने, हम लोग विपक्ष में थे, तो मैंने कहलवाया मुख्यमंत्री महोदय को कि मेरा सुझाव है कि ये आने वाले वक्त में एक गलत परंपरा बनेगी नई पीढ़ी के लिए भी सोचने के कि क्या हो रहा है। तो जोधपुर में हमने एक विश्वविद्यालय खोला है आयुर्वेद का, और शिक्षाविद थे, संस्कृत के विद्वान थे, उनका संबंध था आयुर्वेद से भी, तो मेरे को विश्वविद्यालय के नाम लिखे हैं राधा सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी के नाम से, विश्वविद्यालय का नाम। और ये जो शिक्षा संकुल बना, इसका नाम बदलना ठीक नहीं रहेगा, पर हमारी बात नहीं मानी गई। तो इसलिए कई बातें ऐसी हैं जो बातें करने की नहीं, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो राजीव गांधी स्वर्ण पाठशालाओं के प्रयोग के बाद में एक माहौल जो बना है, उसका लाभ आज है कि हम लोग अभी बता रहे थे मेरे पूर्व वक्ता किस स्तर पर राजस्थान पहुंचा है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर।
और हमने छूट दे रखी है दोताशाह जी को, प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी स्कूल बनाए। क्या टीचर की कमी होगी? हमने पहले भी दुविधा आ रही थी, अड़चन आ रही, दूर करी, आगे भी हम ध्यान रखेंगे टीचर्स का। टीचर्स हमारे लिए सम्मानित पर्सनैलिटी होती, व्यक्तित्व होता है। टीचर समाज को वो देता है और सरकार हर संभव प्रयास करती है कैसे हम लोग शिक्षा के अंदर शिक्षकों की भूमिका को मजबूती से बना रखें। मुझे खुशी हुई जान करके कि जो सरकारी स्कूलें हैं उनमें 2 लाख से अधिक नामांकन हुआ है, बढ़ा है, बहुत बड़ी मुबारकबाद के पास। इसके मायने का आप लोगों ने जो मेहनत करी है, कठिन परिश्रम किया है, आपने रुचि दिखाई है, माहौल बनाया गांवों के अंदर, कस्बों के अंदर, कि सरकारी स्कूलें भी कम नहीं है प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में, तब जाकर के संभव हुआ है। और मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, इस प्रयास को आप जारी रखें। ये जो प्राइवेट स्कूलें खुली है, ये प्राइवेट स्कूल है जहाँ शिक्षा देने के भाव से खुली है, वो स्वागत योग्य हो सकता है, क्योंकि सब काम सरकार अकेले नहीं कर सकती, चाहे अस्पताल हो, शिक्षा, चिकित्सा सेवा हो या शिक्षा हो। परंतु प्राइवेट सेक्टर भी आते हैं, दानदाता भी आते हैं, कि ट्रस्ट बनते हैं, सोसाइटी बनती है और अस्पताल खुलते हैं, गाँव के अंदर भी स्कूलें खुलती, स्वागत है उनका। परंतु ये इंग्लिश मीडियम के नाम से जो शिक्षण संस्था बनती है, उनको मैं अपील करना चाहूँगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये कमाई का जरिया नहीं होना चाहिए। संविधान की मूल भावना में भी ये सेवा के काम है, नो प्रॉफिट नो लॉस। या तो दानदाता पूरा स्कूल चलाए, अस्पताल चलाए, अच्छी बात है, वो नहीं है तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाओ। जिस प्रकार लूट मची हुई है वो दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य। इतनी फीस हाई है उन स्कूलों की, गरीब का बच्चा प्रवेश ले नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। गरीब के बच्चों के दिल में आती भावना कि भाई ये मेरे दोस्त जो है वो जाते हैं इंग्लिश स्कूल में, मुझे जाना पड़ता सरकारी स्कूल के अंदर। पर आपके प्रयास से मैं देखता हूँ कि एक वक्त एक दिन वो आएगा कि लोग कहेंगे कि हमें प्राइवेट स्कूलों की अच्छी बिल्डिंग, 5-star कल्चर देखने जरूरत नहीं, हमारे लिए तो जो गुरुजन पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में वो ज़्यादा महत्व रखता है। ये हमारी सोच है और सोच होनी चाहिए। यूपीए गवर्नमेंट ने और सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो क्रांतिकारी फैसले किए आज़ादी के बाद में, पहली बार आधार अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई, अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई। सूचना का अधिकार एक क्रांतिकारी कदम है, दुनिया का क्रांतिकारी कदम है। और मुझे गर्व इस बात का, उनकी शुरुआत करने वाला राजस्थान पहला राज्य था देश के अंदर, जो असली कानून बनाया यूपी गवर्नमेंट ने, अभी उसको कमजोर कर दिया गया। अधिकार दे दिया जनता को, देश की जनता को, क्या आप कोई सूचना सरकार से मांग सकते हो? जो सीक्रेट एक्ट के माध्यम से उसके नाम से देने के लिए तैयार नहीं होती थी सरकारें, बहुत क्रांतिकारी वो कदम था। अब भी उसको हम लोग आगे रखेंगे, जारी रखेंगे राजस्थान के अंदर। जल्दी उसके लिए एक मीटिंग होने वाली है इसी हॉल के अंदर, हम चाहेंगे कि उसमें फैसले हों कि हम खुद क्यों नहीं सूचना आगे लाके जनता को दें, मांगने की जरूरत नहीं पड़े।
दूसरा RTI, राइट टू एजुकेशन, पार्लियामेंट कानून बना दिया गया, हर हर बच्चे को, छात्र को शिक्षा का अधिकार होगा, सूचना का अधिकार की तरह। इसीलिए आज प्राइवेट स्कूल के अंदर भी कानून के अंतर्गत वहाँ एडमिशन लेना पड़ता है, देना पड़ता है उनको, चाहे फीस सरकार को भरनी पड़े, पर प्रतिभा वाली बच्चों को अगर स्कूल आसपास में नहीं है सरकारी, वो देखता कि नहीं मुझे तो जिस स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए, तो सरकार फीस भरेगी और उसका एडमिशन वहाँ होगा। ये कानून बन गया है। अब वो अलग बात है कि अभी अड़चन आ रही है, हम तो सरकार में चले गए थे 5 साल, मोदी ऐसा माहौल बना दिया आप लोगों ने, हम चले गए थे। कहाँ तो हमारी बड़े बड़े लैपटॉप बांटते रहे हम लोग, पेंशन बांटते रहे, बड़े बड़े कदम उठाते गए, और चुनाव में सीधा आप लाके छोड़ा 21 पे सीधा। तो ये तो जनता जनार्दन है, लोकतंत्र है, जिनकी स्थापना महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, सरदार पटेल ने, अम्बेडकर ने करी। हमें गर्व है इस व्यवस्था की स्थापना हमने करी है, जिस व्यवस्था के अंतर्गत हम चुनाव जीतते भी है, हारते भी है, सरकार बदलती है, ये व्यवस्था किसने करी है? ये कांग्रेस ने करी है। इस बात का हमें गर्व है। पाकिस्तान में हमारे साथ आजाद हुआ था, वहाँ भी ये व्यवस्था कायम की गई, वो कायम रह नहीं सकी, बार बार सैनिकों का शासन, प्रधानमंत्री को जेल, राष्ट्रपति को जेल, सैनिकों का शासन, और एक जुल्फिकार अली भुट्टो थे प्रधानमंत्री, फांसी में चढ़ा दिया गया उनको, इतना बड़ा फर्क है। और यहाँ 70 साल के बाद में भी इस मुल्क में वोटों का राज कायम है, हमें गर्व है। शिला चाल करके चाहे कोई प्रधानमंत्री बन जाओ, पर लोकतंत्र जिंदा है, ये कांग्रेस की देन है इस देश के अंदर। कांग्रेस ने क्या किया? अरे कांग्रेस ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, अगर लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता, लोकतंत्र जिंदा रहता नहीं रहता, तो मोदी जी कैसे आप प्रधानमंत्री बनते बताओ? शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करी हमारे मुल्क ने, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी के अंदर बड़े बड़े संस्थान बनाए देश के अंदर। पंडित नेहरू ने कोई, आज पंडित नेहरू के बारे में क्या क्या नहीं कहा जा रहा सोशल मीडिया में, 10 साल तक जेल बंद रहे, जेल में बंद रहे थे वो आज़ादी की जंग के अंदर, 10 साल तक जेल में बंद रहे थे। परंतु उनकी सोच थी, इंदिरा गांधी की सोच थी, इसरो कैसे किसने बनाया, वैज्ञानिक संस्थान किसने बनाया है, आज उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, चंद्रमा में चक्कर लगा रहा उपग्रह है, मंगल ग्रह पे उपग्रह छोड़े गए, दुनिया के मुल्कों के 100 उपग्रह एक साथ छोड़े गए इसरो से, तो क्या ये कोई 4-6 महीने की उपलब्धि है? 35 साल लगे, 35 साल। जनता को गुमराह करना बड़ा आसान है, शिक्षकों को गुमराह करना आसान काम नहीं होता। सब लेखा जोखा रखता है, टाइम आने में जवाब देता है, इसलिए आज माहौल कुछ टेंशन का है देश के अंदर, हिंसा का, तनाव का। नौकरी लगनी तो दूर की बात है, नौकरी जा रही लोगों की, लाखों नौकरियां, पढ़ते होंगे टीवी देखते होंगे आप, 12 लाख नौकरियां चली गई ऑटोमोबाइल में चली गई है, 2 लाख नौकरियां और किसी सेक्टर में चली गई है, रोज की खबर आ रही है, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था बहुत चिंतित स्थिति में आ गई है। ये हम सबको, जो हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, वो हम सबको चिंतन मनन करना चाहिए भविष्य को देखते हुए, आने वाली पीढ़ी को हम लोग क्या लेके जाएंगे देश से। लोकतंत्र मजबूत रहे, देश एक रहे, अखंड रहे,
चाहे हमारी जान चली जाए, इंदिरा गांधी की जान चली गई, पर उसने आतंकवाद का मुकाबला किया पंजाब के अंदर, खालिस्तान नहीं बनने दिया। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जान चली गई उनकी, राजीव गांधी शहीद हो गए। आज हम जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे मंत्री हो मुख्यमंत्री हो, सबके मन में संकल्प रहता है चाहे जान चली जाएंगी परवाह नहीं करेंगे, मुल्क को एक बार अखंड रखेंगे। इस रूप में काम करने वाले लोग हम लोग हैं, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि RTE बना, फूड सिक्योरिटी एक्ट बना, गरीबों के लिए 2 रुपये किलो अनाज, 3 रुपये किलो चावल। तो कहने का मतलब ये कि हमने हर कदम उठाए। जो मैंने क्यों बात की इसरो की, अगर शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देती आज़ादी के बाद में सरकारें, तो इसरो बनता कैसे? हमारी सोच नहीं होती हम इसरो की तरफ जाएँ, बनाए कि उपग्रह छोड़े हम भी, अमेरिका की तरह, इंग्लैंड की तरह, रूस रशिया की तरह, हमारी सोच बनती नहीं। उस वक्त बड़े बड़े संस्थान खड़े किए गए, उसका परिणाम है आज हम अपने देश में आत्मनिर्भर हैं। पाकिस्तान की तरह हम लोग दूसरे मुल्कों पर निर्भर नहीं है सब क्षेत्र के लिए। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, राजस्थान हमने अभी भंवर सिंह जी 50 कॉलेज खोल दिए हमने, एक साल 50 कॉलेज कभी खुली आज तक राजस्थान के अंदर। हम चाहते हैं कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। शिक्षा है तो उस प्रदेश का भविष्य है, जैसे परिवार का भविष्य शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, उसी ढंग से प्रदेश का, देश का भविष्य शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। आज इंटरनेट की सेवाएँ आ गई, ईमेल, मोबाइल फ़ोन, जो राजीव गांधी कहते थे 21st सेंचुरी में जाना हम लोगों को, तो लोग समझते नहीं थे कि ये क्यों कहना चाहते हैं बात। जब कंप्यूटर की बात की गई राजीव गांधी के ज़माने में, जो नौजवान प्रधानमंत्री थे देश के, नई शताब्दी में जाएंगे तो हमारे देश के नागरिक इतनी मेहनत करें कि हम लोग नई शताब्दी में जाएँ, तो विकसित राष्ट्र की तरह हम लोग साइंस में, IT में, सब क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, मुकाबला कर सकें उनका। लोग समझ नहीं पाए थे, पार्लियामेंट के अंदर बैलगाड़ी से आए थे बैठ करके लोग, जो आज सत्ता में कि राजीव गांधी दिमाग खराब हुआ है, जो वो ये सब अगर कंप्यूटर आ गया तो टाइपिस्ट जो हैं, टाइपिस्टों की नौकरी चली जाएगी, ये सोच थी लोगों की। कंप्यूटर आ जाएंगे तो कंप्यूटर तो 100 लोगों का काम एक साथ कर देगा। आज कोई ऐसी चीज बनी है क्या बिना कंप्यूटर काम चलता किसी का? कोई विभाग काम नहीं चलता। इतना नेटवर्किंग शानदार हो गया राजस्थान के अंदर भी, गांव गांव में मित्र लग गए हैं आपके, सारी सेवाएं गांव में मिलने लग जाएगी, जमाबंदी की हो, म्यूटेशन की हो, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र लेना हो, 400 से 500 के बीच में सेवाएं मिल रही है आज IT के माध्यम से राजस्थान के अंदर में, 400 से 500। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, ये शिक्षा का खेल था, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता सरकारों द्वारा, तो आज ये स्थिति नहीं बनती जो आज हम लोगों ने बनाई राजस्थान के अंदर। प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया हम लोगों ने, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तब हम लोगों ने पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, तमाम प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया। पहले हमारे यहाँ खुल नहीं सकते थे, हमारे यहाँ के राजस्थान के बच्चे जाते थे महाराष्ट्र में, कर्नाटका के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, कितना बड़ा खर्च होता था। आज हमारे यहाँ जाल बिछ गया इनका। इसलिए मैं आपको, जो शिक्षक वर्ग के हमारे साथी बैठे हुए हैं, जो शिक्षित सम्मानित हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई है, मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका यही जो प्रयास रहेगा, तो जो मैंने कहा आपको कि ये जो प्राइवेट सेक्टर में जो स्कूलें खुल रही है उसका महत्व मैं स्वीकार करता हूँ, पर मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि वो कमाई का साधन बनाए इसको। ये कमाई का जरिया जिस रूप में बना हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको खुद को सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से गरीब के बच्चे भी जाए स्कूल के अंदर, प्रतिभाशाली हैं, उनको कैसे एडमिशन दें हम लोग, वहाँ ना नकुर नहीं करें वो। आज कोई बच्चे क्यों इतनी ज़्यादा फीसें हैं उनकी कि वो जा नहीं सकता,
इसलिए प्राइवेट सेक्टर अपना काम करे, पर जो हमारी सरकारी स्कूलें हैं उनके अध्यापकों को मैं कहना चाहूँगा कि आप में दम कम है, योग्यता है, दक्षता है, दूरदृष्टि है, और जो माहौल बनाया आपने कि 2 लाख से अधिक बच्चों को नामांकन नया हुआ है, तो मैं समझता हूँ माहौल बनेगा और इस काम में हम लोग अवश्य कामयाब होंगे, मेरा मानना है। अब आपके गोविंद सिंह दोतासा जी आपके मंत्री, इन्होंने इतनी तालियां बजवा दी आपसे ये बोल के चले गए तो तालियां बढ़ती रही है, ऐसा छक्का लगाया जो वो ताली बढ़ती रही थी। तो इसलिए अब जब इन्होंने ताली बढ़वा दी, गर्ग साहब ने बढ़वा दी और भंवर सिंह ने बढ़वा दी, तो मेरे पास बचता क्या बता। अब ये मैं इन तीनों पे छोड़ता हूँ कि आप जो है स्कीम बनाओ, बिना स्कीम तो प्लॉट क्या दे जाएंगे, कोई सोसाइटी बन जाए आपकी जो सम्मानित है राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से सोसाइटी बन करके या कॉलोनी भर जाए, तो जहाँ भी बनेगी सोसाइटी, ये काम डिफिकल्ट काम है, इजी नहीं है ये काम, ये जो है ये आपको बनानी पड़ेगी और सरकार उसमें पूरी तरह आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। मैं जानता हूँ कि शिक्षकों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो 1 लाख रुपए दे दे। हम चाहेंगे कि किस प्रकार से अच्छी कॉलोनी बसें, टीचर्स सम्मानित टीचर्स साथ साथ रहें, अच्छी परंपरा रहेगी, मुझे बहुत खुशी होगी, उसे एक प्रेरणा मिलेगी समाज को भी। ये कौन सी कॉलोनी है? ये सम्मानित शिक्षकों की कॉलोनी है। उसे समाज को सीखने का मौका मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। अभी मैंने हाउसिंग बोर्ड ने स्कीम निकाली, 22,000 मकान बने पड़े हैं, बिक नहीं रहे। 50% से ज़्यादा छूट दे करके उसको ऑक्शन कर रहे हैं। तो मैंने कहा दोतासा जी को, अगर उसमें कोई जाना चाहेगा तो आप लिस्ट बना लीजिए, आपको स्पेशल छूट दिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ठीक है, रोडवेज की बसें हैं। अब मैंने 5 सितंबर 2010 को, 10 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था, तब मैंने रोडवेज में जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के शिक्षक सम्मानित शिक्षक हैं उनके लिए 50% छूट की घोषणा मैंने करी थी। अब ये जो है 5 सितंबर 2019 आ गया है, 10 साल के बाद में जो है अब राष्ट्रीय स्तर के हैं, राज्य स्तर के हैं, सबके हैं, इनको जो है पहले 50% थी, अब 100% छूट की घोषणा करते हैं। आराम से आप लोग पूरा फ्री निःशुल्क, आपको निःशुल्क आप लोग रोडवेज में, बाकी तो नियम बनाएंगे विभाग वाले बनाएंगे, क्योंकि हर एक विभाग के नियम बने हुए हैं, फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी हैं, MLA के लिए भी हैं, MPs के लिए भी हैं, तो एक नियम बनाना पड़ेगा किस नियम में किस
किस प्रकार से ये स्कीम लागू होगी, पर मेरी मंशा है कि 100% छूट मिले आपको, निःशुल्क यात्रा आप कर सकें बसों के अंदर, ये मैं कहना चाहता हूँ। और भी बाकी रह गया काम तो कह दीजिए आज मौका, ठीक है। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप इस वक्त सुन रहे थे। वो दरअसल शिक्षक दिवस पर सभी को संबोधित यहां पर कर रहे थे, और इस दौरान गांव धाणी तक का जिक्र करते हुए ये कहते हुए नजर आए कि किस तरीके से गांव धाणी तक स्कूल खोल दिए गए बच्चों को, ताकि बेहतर शिक्षा मिल सके। और इस दौरान उनके साथ दोनों मंत्री मौजूद हैं, गोविंद डोटासरा भी और भंवर सिंह भाटी भी, दोनों यहां पर मौजूद। और इनके मौजूदगी में ये शिक्षक सम्मान समारोह यहां पर रखा गया है।